हे गाइस दिस इज जेजे वेलकम एंड वेलकम बैक टू रोलिंग जिप्सी। तो क्या चल रहा है, होप अच्छा चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा। आज हम आ चुके हैं सानवी हीरो देहरादून और यहाँ पे आज हम करेंगे नई XMR 210 का रिव्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर डेटा लेट्स कट टू द वीडियो। आप लोगों को पसंद आए होंगे और अब बात करते हैं बाइक के लुक्स, स्पेक्स और डिटेल्स के बारे में। तो प्राइसिंग और वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। एक ही वेरिएंट कंपनी ने इसका लॉन्च किया है जिसकी मार्केट में प्राइसिंग है 1,79,000 रुपीज। तीन कलर कंपनी ने मार्केट में लॉन्च किए हैं जिनका नाम है आइकॉनिक येलो, मैट फैंटम ब्लैक और टर्बो रेड। मुझे पर्सनली ये ब्लैक वाला कलर ज्यादा पसंद आया, लेकिन येलो वाला जो है पुरानी वाली करिश्मा की याद दिलाता है। प्राइसिंग जो है 200 सीसी के सेगमेंट में बहुत अच्छी रखी गई है, नहीं तो 200 सीसी सेगमेंट में आजकल जो प्राइसिंग है वो 2 लाख से भी ऊपर जा रही है एक शोरूम। लुक्स के मामले में नई करिश्मा थोड़ा बल्कि सा लुक देती है और स्पोर्टी की साइड ये थोड़ी ज्यादा है, काफी भारी नहीं है, सिर्फ 163 kg इसका वेट है, जो देखने में तो काफी भारी लगती है। इसका वेट कम होना इसको काफी अच्छा पावर टू वेट रेशियो भी देता है। फ्रंट में ये एस शेप DRL देखने को मिल जाएगी, एडजस्टेबल विंडशील्ड भी आपको साथ में दी गई है। साइड से इसका बेस्ट लुक आता है, ये XMR की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। जो सीट का डिजाइन है वो स्पीड सीट में दिया हुआ है। शॉर्ट साइड ब्लैक कलर का साइड में साइलेंसर दिया गया है, इसके ऊपर ये सिल्वर कलर का मफलर है, तो ये देखने में काफी अच्छा लगता है। बाइक काफी डिसेंट है देखने में और रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी है बाइक की। अब बात करते हैं इंजन की, तो मोस्ट पावरफुल इन इट्स क्लास इंजन है इसका, ऐसा कंपनी का क्लेम करना है। और ये देखते ही मैंने तुरंत गूगल किया कि KTM 200 ड्यूक और RC की जो पावर है वो कितनी है। RC 200 की जो पावर है वो है 25 PS एट 10,000 RPM एंड 19.2 Nm ऑफ टॉर्क एट 8,000 RPM। तो वहीं करिश्मा XMR प्रोड्यूस करती है 25.5 PS एट 9,250 RPM एंड 20.4 Nm ऑफ टॉर्क एट 7,250 RPM। तो 0.5 PS की पावर ज्यादा है और वो भी 750 कम RPM में। तो यस, 200 cc सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक है। 210 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन इसको पावर करता है और ये फिगर्स देता है। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि ये इंडियन ब्रांड हीरो जैसे कंपनी जो है इस पर ध्यान दे रही है। साथ ही में आपको ये 6-speed गियरबॉक्स भी देखने को मिलता है जो आता है असिस्टेंट स्लिपर क्लच के साथ। ये भी काफी इंप्रेसिव चीज है कि कंपनी इसमें इतने अच्छे फीचर्स दे रही है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेक्स दिए गए हैं इस बाइक में, जब एक्चुअल में रोड पे चलाओगे तब आपको पता चलेगा। 300 mm का डिस्क आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा विद डुअल पिस्टन कैलिपर और रियर में आपको मिलेगा 230 mm का डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। बाइब्रेक यहाँ पे दोनों ब्रेकिंग देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको मिलेगा डुअल चैनल ABS। सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रंट में 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक और रियर में आपको मिलेगा गैस चार्ट मोनोशॉक विद 6-step प्रीलोड एडजस्टमेंट। तो काफी अच्छा सस्पेंशन है। ऑन रोड जो सस्पेंशन है वो बहुत ही अच्छा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में राइड करके दिखाऊंगा। 17 इंच के एलॉयज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे MRF के टायर्स के साथ। फ्रंट में आपको 100 सेक्शन 80x17 का टायर देखने को मिलेगा और रियर में 140 सेक्शन 70x17 का टायर देखने को मिलेगा। अब आते हैं मीटर कंसोल की तरफ, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसमें सारी जो डिटेल्स है वो काफी अच्छे से विजिबल है और काफी सारे फीचर्स पैक भी है इसमें, जैसे बेसिक डिटेल्स स्पीडोमीटर टैकोमीटर के साथ ही आपको फ्यूल गेज 10x10 इंडिकेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी डिस्टेंस टू एम्प्टी गियर शिफ्ट इंडिकेटर बैटरी वोल्टेज और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी देखने को मिलेगा जो डे और नाइट के हिसाब से इसको अच्छी लाइटिंग प्रोवाइड करने में मदद करेगा। मीटर कंसोल के पास ही आपको ये USB चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिलेगा जो काफी हेल्पफुल है और ये सब कंट्रोल करने के लिए मीटर में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मोड और सेलेक्ट बटन भी दिए गए हैं। इसके साथ आपको मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, हॉर्न और इंटीग्रेटेड पास एंड हाई लो बीम स्विच। राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा 1000 लाइट वाला स्विच, इंजन किल प्लस सेल्फ स्टार्ट स्विच यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। ओवरऑल इट्स अ डिसेंट बाइक, अच्छे पावर के साथ, गुड लुक्स, अच्छी प्राइसिंग भी है, ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर जो है वो बाइक में दिए गए हैं। असिस्टेंट स्लीपर क्लच जो है वो मेरे को फेवरेट लगा कि इस मतलब 200 सीसी सेगमेंट में भी ये देखने को मिल रहा है। 11 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा 35-40 kmpl का, ओनर और कंपनी क्लेम जो माइलेज है वो ऊपर नीचे है थोड़ा, तो इस माइलेज के अकॉर्डिंग आपको 380-400 किलोमीटर की रेंज एक फ्यूल टैंक दे देगा जो कि काफी अच्छी है। अब टाइम है बाइक को राइड करने का और देखने का कि रियल लाइफ में क्या रिपोर्ट है बाइक की। वैसे यहाँ पे सानवी हीरो पे एक्सपल्स के लिए एक फ्री सर्विस कैंप भी लगाया गया था जो बहुत बढ़िया गया, मेरी बाइक की इसमें फ्री सर्विस भी हो गई थी, सारे जो एक जो दिक्कत आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई थी और यहीं पे बाइक की टेस्ट राइड भी चल रही थी जिसमें XMR भी अवेलेबल थी। ऑलरेडी 4-5 टेस्ट राइड जो है बाइक की हो चुकी थी और अब मेरी बारी। शायद इसका फैन भी ऑन हो गया है क्योंकि काफ़ी लोड पड़ चुका है बाइक से।
अगला वाला सस्पेंशन बड़ा मज़ेदार है इसका कुछ तो। हाँ वो गाड़ी इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि फ्यूल कम है इसमें। मैं सोच रहा भाई सब यही बोले जा रहे हैं वहाँ पे कि गाड़ी उठ ही नहीं रही, गाड़ी में पिकअप कम है। मैं कह रहा यार नहीं भाई क्या ऐसा तो हो नहीं सकता। एक्चुअली इसमें फ्यूल कम है, वो इंजेक्टर का जो हिसाब होगा वो फ्यूल पहुँचाने वाला, क्योंकि इधर से इनिशियल पिकअप एक कम है लेकिन ब्रेकिंग और सस्पेंशन का जो मेल है ना इसमें, बाय गॉड यार, मज़ा आ गया इससे चला के। चल भाई खड़ी कर ली, वेरी नाइस राइड आई लव इट। गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।